हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी जैसे किचन टिप्स और घर की और भी बहुत सारी टिप्स, जिसमें आपका एक भी रुपया लगने वाला नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो समय के साथ साथ आपके पैसों की भी बचत होगी और आपका काम भी बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के देख लेते हैं कौन सी अपनी पहली टिप्स जो कि बहुत ही अच्छी है। अच्छा, एक चीज़ तो आप सबने फेस की होगी, बहुत बार क्या होता है जब भी हम पैकेट का कोई भी सामान यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए उसमें से थोड़ा सा सामान हमने यूज़ किया, बाकी का पूरा पैकेट में ही रहता है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, कई बार इसको सिर्फ रबड़ लगाई और रख दिया। लेकिन जैसे कि अभी बरसात का टाइम चल रहा है, तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, अगर पैकेट थोड़ा सा भी खुला रहेगा, उसमें हवा लगेगी, तो अंदर का जो भी सामान होता है वो ख़राब हो जाता है, सील जाता है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो देखिए, हमने यहाँ पे थोड़ा सा बेसन निकाल लिया, बाकी का अब इसमें एज इट इज़ है, तो अब अगर हम इसमें रबड़ लगा के रख देंगे तो सामान जो है ख़राब हो जाएगा, यानी कि बेसन जो है ख़राब हो जाएगा, इसमें कीड़े भी लग सकते हैं। तो इससे अच्छा क्या, एक बहुत अच्छा सा तरीका है फ्रेंड्स, इसको आप ज़रूर से आजमाइएगा। देखिए, एक तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि अगर हम कभी भी कोई भी पैकेट कट करते हैं, और अगर छोटा कट करते हैं यानी कि कम कट करते हैं, तो उसमें से निकाला हुआ सामान अगर थोड़ा भी एक्स्ट्रा होता है तो उसको वापस हम पैकेट में बिल्कुल भी नहीं डाल पाते हैं। उसके लिए कई बार हमें पूरा का पूरा पैकेट ही कट करना पड़ जाता है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अगर आपके साथ भी ये दिक्कत होती है तो आप क्या कीजिएगा, जो ये जो तेल डालने वाली जो छन्नी होती है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं, इसको कुप्पी भी बोला जाता है। तो अगर आपके साथ भी ये दिक्कत होती है तो आप आराम से इस तरीके से कुप्पी का यूज़ करके जो सामान है एज इट इज़ पैकेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो बचा हुआ है, क्योंकि बहुत बार हम परेशान हो जाते हैं, छोटा कट होता है तो उसमें वापस से उस चीज़ को डालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस तरीके को यूज़ करेंगे तो आपको पूरा पैकेट फाड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आती है दूसरी बात कि इसको रखना कैसे है। तो इसको रखने का सबसे अच्छा तरीका है फ्रेंड्स, आगे से आप कभी भी इसको रबड़ लगा करके इस तरीके से बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि ऐसे जो है बेसन सील जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे लेना हमें थोड़ा सा फॉइल पेपर लेंगे, बहुत बड़ा नहीं लेना, छोटा सा ही लेना है, और इसको इस तरीके से इसके ऊपर लगा देंगे। देखिए, इस तरीके से अच्छे से इसके ऊपर सेट कर देना है। करने के बाद से अब हमें लेना है यहाँ पे चिमटा। इस तरीके का जो चिमटा होता है तो सभी के घर पे होता है फ्रेंड्स, अगर नहीं है तो आप आयरन जो होती है यानी कि जो प्रेस होती है, उसकी मदद से भी आराम से इसको कवर कर सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे चिमटे को अच्छे से गर्म कर लिया है गैस पे 1 मिनट के लिए। जब चिमटा अच्छी तरीके से दोनों तरफ से गर्म हो जाएगा, तब हम इसको इस तरीके से पैकेट के ऊपर प्रेस कर देंगे, जिसके वजह से क्या होता है, जो बेसन का पैकेट है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लोज़ हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा, और इसमें का जो सामान है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बहुत अच्छी तरीके से हम स्टोर करके रख पाएंगे। तो ये तो बेसन की बात है, ऐसे ही मान लीजिए राजमे का पैकेट हो या दाल का हो या किसी भी चीज़ का हो, जो आप उसको डिब्बे में ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एज इट इज़ पैकेट में रहे, तो उसके साथ में ये टिप्स ज़रूर से आप आजमा लीजिएगा। इससे क्या रहेगा, पैकेट बिल्कुल खुला भी नहीं रहता है और आप आराम से इसको महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, ये टिप्स आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स। अच्छा, बहुत बार क्या होता है, जैसे कि अभी बारिश का सीज़न चल रहा है, ऐसे में आपने देखा होगा कि कई बार जो छाता होता है हमारा, ये जाम हो जाता है, ये बिल्कुल भी खुलता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कई बार नए नए छाते में भी ये प्रॉब्लम आ जाती है कि छाता यहाँ से बिल्कुल नहीं खुल पाता है। देखिए, ये थोड़ा खुल रहा है, पूरा अच्छे से नहीं खुल पा रहा है, फंस रहा है। तो इसके लिए एक छोटी सी टिप्स है, देखिए, जब बरसात का सीज़न ख़त्म हो जाता है, जब आप छाते को रख देते हैं, तो उस टाइम पे आप क्या करें, इसकी जो डंडी होती है इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल लगा करके रखें। अगर आप सरसों का तेल लगा करके रखेंगे तो इससे क्या होता है, इसमें बिल्कुल भी जंग वगैरह नहीं लगता है और आप आराम से इसको नेक्स्ट टाइम भी यूज़ कर पाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके छाते के साथ अभी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप यही छोटी सी टिप्स को यूज़ कीजिएगा, इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लीजिएगा, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि ये जो छाता है वो बिल्कुल ही फ्री हो जाएगा और आप जब चाहें तब इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ये दिक्कत आती है कि जब हमें छाते की ज़रूरत होती है, छाता खुल ही नहीं पाता है, और उसके बाद से तेल लगाने के बाद आप आराम से इसको इस तरीके से बंद करके रख दीजिए। तो ये भी एक बहुत अच्छी टिप्स है फ्रेंड्स, इसको ज़रूर से आजमाइएगा और देखिए यहाँ पर छाता कितना ही फ्री हो गया। यहाँ पर हम आपको खोल के भी दिखा देते हैं इसकी डंडी, देखिए बहुत आराम से निकल जा रहा है, जो पहले कितना ज़्यादा फंस रहा था वो अब आराम से निकल जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं ऐसी बेहतरीन से एक और टिप्स की ओर। बहुत बार क्या होता है, आपने देखा होगा, खाना आप कितनी भी अच्छी तरीके से बनाइए, लेकिन
कई बार सब्जी में कुछ कंकड़ जैसा आ जाता है, जिसकी वजह से वो हमें पता भी नहीं चल पाता है कि किस चीज़ की वजह से किन किन ऐसा लग रहा है कंकड़ सा आया है। लेकिन फ्रेंड्स, हम सब चीज़ पे ध्यान देते हैं, आलू वगैरह अच्छे से वॉश करके तब सब्जी बनाते हैं, कोई भी सब्जी बनाते हैं तो बढ़िया से धो करके बनाते हैं, फिर भी हमें डाउट रहता है कि अगर ये थोड़ा भी किनकिना लग रहा है तो क्यों लग रहा है। बहुत बार ऐसी दिक्कत आती है। तो ऐसे में क्या होता है फ्रेंड्स, हम सब चीज़ पे ध्यान देते हैं, लेकिन एक चीज़ पे जिस पे नहीं देते हैं वो होता है जीरा या फिर मेथी, जिससे हम सब्जी का तड़का लगाते हैं। तो ये एक इतनी बेसिक सी चीज़ है कि बहुत सारे लोग इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, इसको एज इट इज़ मार्केट से लेके आते हैं और जब सब्जी बनाना होता है तो उसमें तड़का लगा देते हैं। लेकिन ये तरीका गलत है फ्रेंड्स। कभी भी आप जीरे में देखिएगा, लास्ट में जब आप जीरे को छानेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे इसमें बहुत ज़्यादा कई बार मिट्टी मिट्टी से जमा होती है, उसी चीज़ को जब हम सब्जी में डाल देते हैं तो सब्ज़ी किनकिनी लगती है और खाने के बाद बहुत ज़्यादा बेकार लगता है, और फिर हमें सोचना पड़ता है कि पता नहीं कैसे सब्जी हमारी किनकिनी सी हो गई है। तो आगे से आप जब भी जीरे का यूज़ करें, इसको साफ़ करके अच्छे से रख लें, फिर यूज़ करें। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये वाली टिप्स भी आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में, आगे देख लेते हैं अगली टिप्स। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी कुछ ऐसी सीक्रेट चाबियाँ वगैरह होती हैं, जैसे मान लीजिए अलमीरा की हो या कोई भी ऐसी सीक्रेट चाबी हो तिजोरी वगैरह की, जो हम किसी को नहीं बताना चाहते हैं। तो अगर ऐसे आप पर्स वगैरह में रखेंगे तो सबको पता होता है कि हाँ आप कहाँ रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस छोटी सी टिप्स को ट्राई करेंगे फ्रेंड्स, तो यकीन मानिए किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आपने इस तरीके से चाबी को छुपा करके रखा है। चाबी हो या फिर कई बार हमें ज़्यादा कैश वगैरह, अगर मान लीजिए कभी भी रखना हो, हमें कहीं बाहर जाना हो, तो आप बहुत आराम से इस तरीके से उसको छुपा करके रख सकते हैं। अपनी कोई भी खास चीज़ आप आराम से इस तरीके से एक गिलास में डाल करके ऊपर से एक और गिलास रख दीजिए, और इसके ऊपर से आप चाहें तो दो तीन गिलास और डाल करके और किचन में रख दीजिए। किसी को नहीं पता चलेगा कि आपने इसमें क्या रखा हुआ है, ऐसा लगेगा देखने में कि गिलास के ऊपर दो तीन गिलास रखे हुए हैं। इस पर किसी को डाउट नहीं जाएगा कि आपने इस तरीके से इसको क्यों रखा हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, आप इसको ज़रूर से यूज़ कीजिएगा। गिलास की मदद से बहुत अच्छे से आप अपनी कीमती चीज़ों को सेफ रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये टिप्स आपको पसंद आई होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही अच्छी अच्छी किचन टिप्स, अदर यूजफुल टिप्स हमेशा आप लोग के लिए लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में, आके देख लेते हैं अगली टिप्स कौन सी है। अच्छा, बहुत बार क्या होता है, जब भी हम कुकर में खिचड़ी या फिर दलिया या पुलाव कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो आपने देखा होगा अगर गलती से पानी ज़्यादा हो जाता है तो जो सबसे ज़्यादा डर होता है हमें, वो इस चीज़ का होता है कि कुकर से पानी जो है बाहर आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर एक छोटी सी टिप का आप यूज़ करेंगे तो यकीन मानिए ये प्रॉब्लम आपकी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। क्या करना है, इस तरीके से कोई भी एक कटोरी, गिलास या फिर चम्मच, उसको आप कुकर में डाल करके रख दीजिए और फिर इसको बंद कर दीजिए। यकीन मानिए पानी ज़्यादा भी होगा तो भी जो पानी है कुकर से बिल्कुल भी बाहर नहीं आने वाला, आपका कुकर बिल्कुल गंदा नहीं होगा, और कटोरी डालने की वजह से इसमें बिल्कुल भी दिक्कत होने वाली नहीं है, आप निश्चिंत रहें। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आज के किचन टिप्स, अदर यूजफुल टिप्स आप लोग को पसंद आई होंगी। पसंद आई होंगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।